तो आज हम बात करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा की, जो सीजन 12 में धोनी पर भारी पड़ गए। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या रोहित T20 फॉर्मेट में धोनी से बड़े कप्तान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। क्या धोनी से बड़े कप्तान है रोहित? क्या हिटमैन है T20 लीग के असली किंग? क्यों रोहित से मात खा जाते हैं धोनी? क्या रोहित का नहीं है कोई तोड़? वही इंडियन T20 लीग में भी माही की कप्तानी का हर कोई कायल है, लेकिन दुनिया के बेस्ट कप्तानों में से एक धोनी का सामना जब रोहित से होता है तो माही की चमक फीकी पड़ती हुई नजर आती है। और बीते कुछ सालों में रोहित धोनी पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। इंडियन T20 लीग के फाइनल में धोनी को 3 बार हरा चुके हैं रोहित। वहीं एक बार पुणे सुपर जायंट्स को भी फाइनल में रोहित ने हराया था। रोहित ने अपनी कप्तानी में 5 में से 4 फाइनल जीते हैं। वहीं धोनी ने 8 फाइनल में से सिर्फ 3 बार ही जीत दर्ज की है। सीजन 12 में रोहित ने धोनी को 4 बार मात दी, जिसमें फाइनल की जीत भी शामिल है। रोहित पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 4 बार लीग के खिताब को अपने नाम किया। रोहित ने 2013, 15, 17 और 19 में लीग का खिताब जीता है। अगर सीजन 12 की बात करें तो मुंबई को छोड़कर कोई भी टीम चेन्नई को 2 बार हरा नहीं सकी। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित भंडारी जी। अमित जी, क्या ये माना जाए कि T20 फॉर्मेट में या इस तरीके के तमाम फॉर्मेट्स जो हैं उसमें रोहित धोनी से बेहतर कप्तान है? देखिए, कहना मुश्किल है क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो धोनी ने किया है वो रोहित शर्मा 2020 का, धोनी का ओवरऑल आप देखो, टेस्ट का हो या वनडे का हो या 20 का, उनका रिकॉर्ड तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन है। अगर आप रोहित की बात करो, हाँ, अगर आपको कि नेक्स्ट कप्तान कौन हो सकता है अगर विराट को कुछ होता है, अगर वो रेस्ट लेते हैं, तो रोहित शर्मा ने दिखाया है कि वनडे और 2020 में जिस तरह से उनका एज ए कैप्टन प्रदर्शन है ब्रिलियंट रहा। अगर आप कहते हैं ना कि बैकअप क्या होता है, तो बैकअप रोहित शर्मा है। अगर वर्ल्ड कप में इंडिया हिंदुस्तान अच्छा करता है तो सेम कैप्टन, अगर कुछ लगता है कि नहीं हो पाया तो शायद रोहित शर्मा को कप्तानी मिल सकती है 2020 की। और विराट खाली 50 ओवर और टेस्ट के कप्तान रह सकते, तो एक उन्होंने अपना कहते हैं ना अधिकार छोड़ दिया मार्केट में कि हाँ, अगर आप कप्तानों की गिनती करेंगे तो मैं भी कप्तान हूँ। क्योंकि इससे पहले धोनी के अलावा हम ये सोचते कि विराट है, पर अब कौन है, रोहित भी है, तो आप एक नया कप्तान देख सकते हैं आने वाले टाइम में कि जो एक फॉर्मेट में कप्तानी कर सकता है। हम बात करते हैं जब विराट कोहली की और महेंद्र सिंह धोनी की, तो हम ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वॉज अ बेटर कैप्टन, तो लेकिन क्या वजह है कि जो धोनी रोहित के सामने बतौर कैप्टन फेल हो रहे हैं? क्योंकि सीजन 12 में धोनी की टीम मुंबई के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाई। देखिए, दो बेस्ट टीमें खेली हैं, पर अब बेहतर टीम कौन है तो मुंबई इंडियंस है। क्योंकि आप उनके 11 प्लेयर देखिए, मैं मानता हूँ कि 11 की 11 उनके ऐसा कम्बिनेशन के सबने अपना रोल प्ले किया है। आप ये नहीं कह सकते कि खाली अगर चेन्नई की तरफ देखें तो हमने देखा खाली महेंद्र सिंह धोनी ने ही बीच में के प्रदर्शन किया या फैफ डु प्लेसी ने किया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो वीक लिंक था, एक तो मैं मानता हूँ कि मीडियम पेस अटैक था, खाली दीपक चाहारी एक कैसे मीडियम पेसर था जो सारे मैच खेले हैं, बाकी ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आया मीडियम पेस जो आगे ले जा सके टीम को। अगर आप मुंबई की बात करें, मलिंगा थे, बुमराह थे, हार्दिक पांड्या थे, स्पिन की बात करें तो चाहर थे, कुणाल पांड्या थे, उनके पास ऑफ स्पिनर जयंत यादव भी थे, तो बॉलिंग ऑप्शन उनके पास बेहतर थे। एक चीज मैं मानता हूँ कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है तो आपकी जीत आसान है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बॉलर ही मैच जिताते हैं, बैट्समैन अपना रोल जरूर निभाते हैं। एक बॉलर ही है जो मैच जिताता है। मलिंगा ने क्या किया, मैच जिताया हमेशा 1 रन से जाए, तो बॉलर के ही मैं मानता हूँ कि अगर आपकी ऑप्शंस अच्छी हैं तो आपकी टीम अच्छी है। तो क्या लगता है फाइनल में चेन्नई की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्या ये माना जा सकता है कि बॉलिंग उनकी अच्छी नहीं रही? देखिए, बॉलिंग तो अच्छी रही नहीं, एक बैटिंग भी इनकी बात करें तो वो भी उन्होंने हर मैच में क्लिक नहीं की। अगर आप धोनी के सराउंडिंग ही रहा, अगर आप धोनी के लास्ट के 2-3 ओवर देखो तो जो 25-30 रन मारते थे तो वो एक प्लस पॉइंट था टीम का, कि पूरे टूर्नामेंट में अगर धोनी नहीं चलते तो शायद चेन्नई फाइनल में भी नहीं दिखती। क्योंकि एक धोनी का एक जो सराउंडिंग जो टीम खेली है एज ए कैप्टन, तो मेरे को लगता है एज ए कैप्टन वो टीम को आगे लेके ना गए, एज ए टीम लेके गए। बिल्कुल, तो मुंबई की जीत के साथ सीजन 12 का संग्राम खत्म तो हो गया है और अब सबकी नजर वर्ल्ड कप पर है जो 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होगा। तो एक नजर डालते हैं कि वर्ल्ड कप में शामिल टीम इंडिया के दिग्गजों का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। वर्ल्ड कप से पहले विराट के वीरों ने दिखाया दम, क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग से पहले इंडियंस का दम। 12वें सीजन में विराट ने किया बल्ले से वार, इंडियन T20 लीग में धोनी ने किया धमाका।
12वें सीजन में विराट कोहली ने 141.46 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 464 रन बनाए। इस दौरान विराट का बेस्ट स्कोर 100 रन का रहा। 12वें सीजन में धोनी के बल्ले से 15 मैच में 134.62 के स्ट्राइक रेट के साथ 416 रन निकले। इस दौरान धोनी ने विकेट के पीछे भी कमाल करते हुए कुल 16 शिकार किए। शिखर धवन ने दिल्ली के लिए 16 मैचों में 521 रन बनाए। 12वें सीजन में धवन के बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले। रोहित ने 15 मैचों में 405 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 67 रन का रहा। इसके अलावा टीम इंडिया में रिजर्व ओपनर के तौर पर शामिल लोकेश राहुल ने भी अपने बल्ले से रन जमाया और दिखा दिया कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया उन पर भरोसा कर सकती है। लोकेश राहुल ने 14 मैच में 53.90 की धमाकेदार औसत के साथ 593 रन बनाए। इस दौरान लोकेश राहुल के बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक भी निकले। हार्दिक पांड्या ने इस सीजन 16 मैच में 44.66 की औसत से 402 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 91 रन का रहा। वहीं पांड्या ने 14 विकेट भी अपने नाम किए। तो अमित जी, ये तो बात हो गई रिपोर्ट कार्ड की, अब वर्ल्ड कप के लिहाज से किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आपके हिसाब से सबसे अच्छी रही? देखिए, वर्ल्ड कप जो गेम होगा 50 ओवर का होगा, ये था 2020। तो मैं मानता हूँ कि तैयारी जरूरी, आपको एक प्रैक्टिस जरूर मिली है जाने से पहले, क्या होता है ना कि मैच प्रैक्टिस, तो मैच प्रैक्टिस की तरह ही था सब प्लेयरों के लिए। एक सबसे अच्छी चीज रही कि कोई भी प्लेयर जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं वर्क मैनेजमेंट जो था इनका कि हाँ इनको इतना लोड देना, तो वो एक सक्सेसफुल मैं मानूंगा। एक खाली केदार यादव था ये, जिसको इंजरी हुआ फील्डिंग के दौरान ही, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन की हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम होगी, किसी को बैक की प्रॉब्लम होगी। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ कि प्लेयर सारे मैच भी खेले और तैयारी भी अच्छी रही। अब आगे जो मैच है, मैं मानता हूँ कि कंडीशंस डिफरेंट होगी। हिंदुस्तान में आपको विकेट थोड़ी स्ट्रेट मिलती हैं कि जहाँ पर आप आसानी से रन बना सकते हैं। इंग्लैंड में थोड़ा चुनौती रहेगी, दो नई बॉल होंगी, अगर मौसम ठंडा रहा थोड़ा बैट्समैन की थोड़ा टेस्टिंग टाइम रहेगा। पर हिंदुस्तान की बॉलिंग अटैक नंबर वन है वर्ल्ड के अंदर। अगर आप मोहम्मद शामी की बात करो, बुमराह की बात करो, तो भूवी की बात करो, तो मैं मानता हूँ कि बेस्ट बॉलिंग अटैक है। पर बैटिंग थोड़ा कंसर्न रहेगा उस कंडीशंस के अंदर। अब डिपेंड करता है कि सब कह रहे कि चार नंबर, मैं ये नहीं मानता कि चार नंबर कौन खेलेगा। मैं मानता हूँ कि चार नंबर वही प्लेयर खेलना चाहिए जो उस कंडीशंस के अंदर अपने आप को सबसे पहले एडजस्ट कर सके, बेशक वो धोनी हो या केदार यादव हो या आपका विजय शंकर हो। तो ये एक चुनौती रहेगी थोड़ी टीम मैनेजमेंट के लिए। पर इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को उस कंडीशंस में जाके उस नंबर पर जाके खेल सकते हैं। बाकी मैं ये मानता हूँ जो दो प्रैक्टिस मैच होंगे वो आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, और वो दो मैच जो होंगे जो 11 खेलेंगे वो आपके वर्ल्ड कप के पहले चार मैच में 11 होंगे। बिल्कुल, और ओपनर्स का भी खासा रोल यहाँ पर रहने वाला है। तो रोहित शर्मा का बल्ला बड़ा धमाल इस बार नहीं मचा सका है, और इसका असर क्या वर्ल्ड कप पर पड़ सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि वो एक गेम डिफरेंट फॉर्मेट गेम है, जहाँ आपके पास टाइम है, जहाँ पर आपके पास गेंदे हैं, यहाँ पर आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है 2020 के अंदर। वहाँ आपको सोचना पड़ता है कि मैं इस कंडीशन में अगर मैं अभी ऐसा खेलता हूँ तो बाद में अपनी इनिंग आगे और लंबी ले जा सकता हूँ। तो शायद मैं मानता हूँ कि जो 50 ओवर का मैच होगा आप रोहित को डिफरेंट बॉल गेम की तरह देखेंगे और रन भी देखेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आपके यहाँ रन नहीं है तो वहाँ रन ड्यू लिखे हैं। रुक रहे कुछ पलों के लिए, खास पेशकश आगे भी जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।